अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशारत शाबान फिर से आप लोगों के सामने अपनी इस चैनल पे कुछ नए अपडेट्स के साथ। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि बांडीपोरा एरिया से कुछ दिन पहले एक वीडियो के लिए वायरल हुई जिसमें एक लड़की बोल रही थी कि माई फादर इज़ ट्राइंग टू मोलेस्ट मी, जिससे इंसानियत के पुरखच्चे उड़ गए थे उस टाइम। वैसा ही और एक किस्सा इस टाइम पेश आया है बांडीपोरा एरिया से। वहाँ से पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया है जो कि अपनी बहन को मोलेस्ट कर रहा था। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन हमारे अंदर कोई भी मुसलमानों वाली क्वालिटी नहीं है। सो हमें कुछ कदम उठाने चाहिए इसके खिलाफ ताकि हम इन सब बेशर्मियों से दूर रहें। और एक अपडेट जंबाजपुरा बारामूला से आ रही है, जहां पे एक क्रिकेटर जिसका नाम मोहम्मद रफीक परे था, जो कि क्रिकेट मैच खेल रहा था, ड्यूरिंग क्रिकेट मैच उसको हार्ट अटैक आया और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको ऑलरेडी डेड करार दिया। कल सुबह से सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसका नाम दायमा मुश्ताक है, जो कि रहती है नवगांव वगूरा में। उसकी कल सुबह से कोई भी खबर नहीं है। फ़ोटो उसका यहाँ पे है, अगर किसी ने इसको देख लिया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दूंगा, तो वो इनके घर वालों के साथ कॉन्टैक्ट करे। वो बेचारे बहुत ही परेशान है। सो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहे हमारे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।